आने का मुझे कोई शौक नहीं था, आप सब परिचित हैं, लेकिन मेरे दिल में पीस थी। अब जो वर्तमान विधायक हैं, उनका पैटर्न बदल गया है, वो मैं आपको अवगत कराना चाहता था। जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्य रूप से उनका वोटर जिस समाज का है, उसी समाज की अनदेखी तो वो करते ही हैं। साथ में मैं पहले चौधरी साहब को याद करूंगा, तब अपनी पीड़ा कहूंगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, संजय लाठर, योगेश भैया। अब आप ध्यान से सुनने, सारे में मैं अपनी बात कहूंगा कि हम उनका साथ देते आए हैं, लेकिन बंद कमरे में हम इनकी पूजा करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की। हमारे आदर्श रहे, किसानों के मसीहा रहे, मजदूरों के मसीहा रहे, उन्होंने सारे रास्ते विकास से खोले, हमारा उद्धार किया, पीढ़ियों का उद्धार किया है, रास्ता दिखाया है। और ऐसे परिवार के बारे में जो असली टिप्पणी करेगा, वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगी, कभी बर्दाश्त नहीं होगी। हम आपके साथ हैं और बदला लेना आपका काम है। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्षमा चाहूंगा एक बार मंच के नेताओं से भी। सबकी इज्जत सबका सम्मान, सबकी इज्जत सबका सम्मान, अमीर गरीब सब एक समान, दिल में दया होठों पर मुस्कान, यही तो है जयंत चौधरी जी की पहचान। जोरदार तालियों से। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय जयंत जी को कि वो मंच पर आए और अपनी प्यारी जनता को संबोधन करें। छाता में कार्यक्रम थे, फिर बलदेव में, फिर आपके बीच आ पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रत्याशित माहौल, कल मलिगढ़ में बरौली खैर और इगलास का दौरा करके रात को आज मथुरा में रुका था। मैं मानता हूं कि जनता ही जनार्दन होती है। कभी कभी जो हम चाहते हैं, जो मैं चाह सकता हूं अपनी पार्टी के लिए, जनता का मन कुछ और होता है। जनता अपने बहुत सोच विचार कर वोट करती है और नतीजे जो हम चाहते हैं उस करके नतीजे नहीं आते। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ, बल्कि लोकदल वाले लोग जानते हैं कि हमें सत्ता तो बहुत कम समय मिल पाई, संघर्ष ज्यादा करना। ये भी सही है कि हमारे लोगों को आंदोलन करने में ज्यादा मजा आता है, सत्ता में नहीं आता है। लेकिन आज एक असाधारण पल, असाधारण चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण फैसला आपको लेना है। ये कोई सामान्य सरकार नहीं है, पहले भी सरकारें रही हैं, बहुमत की भी रही है। प्रदेश और देश में आप देख रहे हैं जो माहौल है, पहली बार ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना दी, इतना डर बैठा दिया लोगों के मन में, सारी संस्थाओं पे कब्जा कर चुके हैं। जो ये चाहते हैं वही फैसला या तो खुद लेते हैं या किसी संस्था से दिलवा लेते हैं अपने पक्ष में। और परिणाम इसका ये निकला है कि धीमे 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 जिन चीजों की शिकायत कभी समाज में नहीं थी, होते थे दो चार बदतमीज लोग, आप ही लोग उनको फटकार के चुप कर दिया करते थे, आज वे लोग मुख्यधारा में आ गए। अब समान सी बात होने लगी है। आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसी सरकार बन जाएगी जहां किसान दिल्ली में जा नहीं पाएगा,
किसानों ने ऐलान किया कि हमारा इतने समय से धरना चल रहा है, देश की राजधानी के सभी रास्तों को हमने बंद किया है, हम सड़क में बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, क्यों ना हम उस तरफ चले अपना विरोध दर्ज करें। तुरंत योगी जी ने संज्ञान लिया और धमकाना शुरू किया। कई कई बार लोगों ने निर्णय लिया कि चलो दिल्ली चलो, किसान घाट हो या जंतर मंतर पर बैठ के विरोध करेंगे। ट्रैक्टर यात्रा निकाली किसानों ने, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दी जाती है, और 13 महीने से तो वहीं तार बिछाकर पूरा पक्का बैरिकेडिंग करके दुनिया भर की फोर्स लगाकर ये संदेश देना चाहती थी सरकार कि अब दिल्ली किसानों से, ग्रामीण भारत से बहुत बहुत दूर हो चुकी। और दिल्ली की तरफ आपकी निगाह ले जाओ तो पूरी दिल्ली का नक्शा बदलने पे तुली है सरकार। यहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं होगा जो इस बात का समर्थन करेगा कि हमें देश की उस सदन में कोई परिवर्तन करने की जरूरत थी कि नए संसद भवन के निर्माण की देश को जरूरत है। बताओ, नए पार्लियामेंट की आवश्यकता कुछ है? हजारों करोड़ लग रहे हैं, हजारों करोड़, पूरा इंडिया गेट खोद दिया है, हजारों करोड़ के दो विमान अपने लिए खरीदे कि मैं विदेश में उसमें सैर क्या करूंगा, बुलेट प्रूफ इंपोर्टेड नई गाड़ी खरीदी गई है, आप देखते हो उनके कपड़े क्या है, दोपहर को नया शॉल होता है, रात को दूसरा शॉल होता है, तो जैसे शहंशाह के ताव भाव होते हैं उसी तरह से उनका अंदाज चलता है। और फिर भी बताया जाता है कि इनके ना कोई आगे ना कोई पीछे, बड़े ईमानदार है। योगी जी कहते हैं भाई योगी जी बड़े ईमानदार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश को क्या लाभ मिला है, आपको क्या लाभ मिला है? किसानों के हाथ में एक टॉर्च दे दी, लाठी दे दी, खेत में तार लगाओ और पूरी रात वहां पहरा दो, 5 साल तक यही तो अनुभव है। इसलिए कोई साधारण चुनाव नहीं है, 403 सीट पे जो हमारे गठबंधन के रंग है, सफेद हरा लाल, बहुरंगी गठबंधन नहीं है, सभी जाति के, सभी जो हमारे पुराने गुंडे थे उन्हें इकट्ठा करके समेट के साथ लाकर इज्जत के साथ हम जोड़ने की कोशिश है। अगर 403 सीट पे आपने बहुमत नहीं बनाई, किसानों ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, ये सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, इस बात को समझ लो। यहाँ अगर हम चूक जाएंगे तो 10-20 साल तक कोई हिम्मत नहीं करेगा कि किसान के नाम पे कोई आंदोलन कर ले, कोई नहीं करेगा। शुरुआत करी थी पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, शुरुआत तो उन्होंने करी थी, और उनकी नजर यहाँ मार्ग पे है, उत्तर प्रदेश के नतीजों पर है, वो देख रहे हैं बेहतरीन बातों। और मैं तो नहीं भूल सकता, मैं जानता हूँ देश में किसान नहीं भुला सकता उस बात को, जब रात को यही समय होगा, शाम को इससे पहले 2-4 घंटे से प्रचार शुरू हुआ 28 जनवरी को, क्या बंद हो गया, वापस लौटने को मजबूर हो जाएंगे किसान। सरकार ने पूरा दबाव बना दिया और आज ही जो है रात को हो जाएगा फैसला। सारे टीवी चैनल कूद कूद के यही बताना, पिछले वर्ष की बात है 28 जनवरी को, और फिर जब रात के अंधेरा आया, फोर्स आई, इनकी क्या मंशा थी, लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक गए, अपने गुंडों को लेके गए, मारपीट की, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे उस मोर्चे पर किसानों के साथ, और चौधरी अजीत सिंह जी ने देर नहीं लगाई, जब किसान भावुक हुआ, चौधरी अजीत सिंह जी भावुक हुए और उन्होंने फोन उठा के कहा कि चिंता मत करना बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो किसान वहां 13 महीने से बैठे हैं, जो माता बहने वहां बैठी हैं, इतने दूर से चल के आए बैठे, क्या उनका कुछ स्वार्थ था नहीं जी उसमें?
आंदोलन को चलाना है, उन्हें को फायदा था इस बात से, कितना नुकसान सहा उन्होंने। तब चौधरी अजीत सिंह जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने सारे लोगों को जुटा दिया किसान के सम्मान में। तो क्या चौधरी अजीत सिंह जी का कोई स्वार्थ था? तो इसलिए आज वो वक्त नहीं कि हम एक दूसरे के और अपने स्वार्थ में बटे रहे और उसका फायदा वो लोग उठाए जो किसान के साथ दिन और रात मक्कारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जो सरकार में आके कुचल जाते हैं किसान को। किसी भी सामान्य व्यक्ति का दिल पसीज जाए ऐसे किसी की भी पीड़ा देखकर, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो सरकार को एहसास हुआ कि हमारी राजनीतिक जमीन खिसक खिसक रही, खिसक रही, सत्ता जा रही है, तब जाके ये लोग हड़कंप में आए और अभी भी ढोंग है। अगर हम और आप चूक जाएंगे, अगर मार्च की जनता चूक जाएगी, तो मेरा दावा है कि वो कानून भी वापस आएगा और फिर 10-20 साल तक कोई आंदोलन होने वाला नहीं। और अब चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी अब नहीं है। मुझे आप इतनी ताकत दो, मैं करूंगा कोशिश, मैंने संकल्प किया, लेकिन हमें एक बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि आज हमारी वो ताकत वो पहचान नहीं है। बनानी पड़ेगी, जमीन से उठकर बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, क्या आप मुझे आशीर्वाद दोगे? और एक बात सोचने की है, गौर करने, ये लोग कोई हमारे हिमायती तो है नहीं। कोई भी काम उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमारा आदमी जो जुड़ा हुआ है, जो चौधरी साहब के समय से जुड़ा हुआ हो, जो खेती करता है, जो कमेरा वर्ग है, कि वो ये महसूस करे कि हाँ हमारी सरकार। आज इनकी जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूं, मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा? मुझे तो नहीं बनना है मामा जी, जनता के लिए क्या करोगे? उस 700 किसानों परिवारों के लिए क्या किया? टेनी जी मंत्री क्यों बने बैठे? रोज जो है सुबह उठते हैं और नफरत घोलने का काम शुरू कर देते हैं और कोई काम नहीं है। अभी योगी जी गए बुलंदशहर में चुनाव प्रचार, और क्या भाषण उन्होंने दिया? कहा कि जब बुलंदशहर का नौजवान यहाँ से गोली दागेगा पाकिस्तान में, तो देश में तरक्की हो जाएगी। क्या किसी मतलब कुर्बानी शहीद होंगे आपके भाई, हमारे बच्चे, और देश में तरक्की हो जाएगी। फिर गए वो मुजफ्फरनगर कह रहा ना, और कहा ये जो गर्मी आ रही है ना, मैं जानता हूँ, मई जून में शिमला पहुंचा दूं। गरम तो हमारा खून है, गरम तो हमारी भाषा है, गरम तो है। हम तो पहला ही गरम हुए, ये जैकेट तो मैं ऐसे ही पहन रहा हूँ। चौधरी अजीत सिंह तो शॉल भी नहीं ओढ़ते थे, उन्हें ठंड नहीं लगती थी बिल्कुल। तो गरम मिजाज भी तो है ही, क्या इलाज कर लो गई होगी? मुझे तो लगता है आपको सर्दी लग गई सर पे, यहीं से ठंड घुसती है ना। आप योगी जी, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, कंबल ओढ़ लो, सर्दी हो गई, कंबल ओढ़ के गोरखपुर जाके लौट, यहाँ को काम नहीं। हमें और आपको बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, बहुत होशियार रहने की का वक्त है, क्योंकि सरकार हमारे खिलाफ है और तंत्र भी हमारे खिलाफ है। आज बजट पेश हुआ, सामान्य तौर पर जब चुनाव घोषित होते हैं तो सरकारी घोषणाओं पर रोक लगाई जाती है, प्रतिबंध हो जाता है, लेकिन बजट है, देश का बजट है, चलो। तब भी उम्मीद तो थी कुछ ना कुछ,
कि कोई तो बात होगी कि जो हमारे यहाँ के किसान सोचे कि चलो कुछ तो कर दिया। अब आप तो देख नहीं पाए होंगे, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन पढ़ने में मिल रहा है क्या किया केंद्र सरकार ने, छाते महंगे कर दिए। हाँ, अम्ब्रेला पे छाते पे ड्यूटी 20% कर दी, बढ़ा दी, और हीरे जो है हीरे जवाहरात बाहर से खूब मंगा लो 5% ड्यूटी पे वो सस्ते कर दिए। बहुत बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने। और दूसरी बात, अगर हम खेती पे आएंगे, क्या किया? कुछ नहीं। पिछले साल अगर धान की फसल को आप देखोगे, जो कल अखबार की हेडिंग होगी कि बहुत ड्रीम बजट किसान के लिए, ड्रीम बजट, ऐतिहासिक बजट, अखबार वाले ये बताएंगे आप। सच्चाई ये है कि जो मैंने दो चार बात पढ़ी है, एक तो उन्होंने धान की खरीद का जो अपना खुद का जो आंकड़ा घटा दिया, पिछले वर्ष 1,286 लाख मेट्रिक टन इनका दावा इन्होंने खरीदा था किसानों से, और इस बार उसे घटा के 1,206 लाख मेट्रिक टन यानी 78 लाख मेट्रिक टन धान सरकार किसानों से कम खरीदेगी। 34 लाख कम किसानों से सीधा खरीद किसान इस वर्ष करना चाहता है। तो इतना सब दबाव आप बना रहे हो, किसान 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 हम लोग चिल्ला रहे हैं, चुनाव का वक्त है, और तब भी जो है ये आपके लिए महाकंजूस, महाकंजूस। तो इनसे कोई उम्मीद रख नहीं सकता किसान। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये चुनाव किसान का है, किसान बन के वोट करो, जाति का कोई सवाल नहीं। ये लोग जाट 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 चिल्ला रहे हैं, और जितना ये जाट 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 चिल्लाएंगे, चौधरी चरण सिंह के अगर आप अनुयायी हो, आप किसान और मजदूर, किसान और मजदूर बोले जाओ। वो कहावत है ना कि जाते ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल देखो तलवार की, पड़ी पड़ी रह दो ज्ञान। वही बात है, हमें शिक्षा की बात करनी है, कमाई दवाई की बात करनी है, बच्चों के नौकरी की बात करनी है, खेती खलिहान की बात करनी है, किसानी की बात करनी है। और मैं आपको एक ही वादा करना चाहता हूं कि आप मां क्षेत्र की जनता, तो आप बहुत ही बुद्धिजीवी भी हो, और इस चुनाव में बहुत किस्मत वाले, क्योंकि जब चुनाव का नतीजा खुलेगा और गठबंधन को आप जिता दोगे, आपको सिर्फ एक नहीं, आपको दो दो विधायक इस क्षेत्र से, क्योंकि जितना संजय दौड़ेगा उतना ही योगेश दौड़ेगा, जितना संजय दौड़ेंगे उससे आगे योगेश दौड़ेंगे। क्यों? दोनों राजी हो बात को, तो दो दो विधायक बनाओ, एक नहीं। तैयार हो? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।